मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मैं स्टक ब्लॉग में। सो आज कैसे हो सारे के सारे? आई होप सारे ठीक ही हो गए। थोड़ा सा मैनेज करना यार, आँख ज़्यादा प्लग रहा है, सामने से धूप आ रहा है। तो गाइस सुबह सुबह का धूप बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। गाइस तुम्हारे भाई का पूरा गाड़ी खाली हो चुका है। एक सेकंड मैं चेक कराता हूँ। ये रही अपनी गाड़ी और ये रहा हमारी गाड़ी का ढाला। तो भाई देख सकते, एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये रही हमारी गाड़ी सुबह सुबह सो के उठ चुका है। तो भाई देख सकते हो पूरा बिस्तर उस्तर करके रेडी है, सिर्फ आराम से बैठ के यहाँ पे जो भी करना है करना, माल का वेट करना। सामने में भी एक गाड़ी है देखो, जिसमें ना सरिया लोड है, ये भी इसी कंपनी का लेके आया है। जैसे कि ना इस कंपनी का काम वाम चल रहा है ना, तो ये कंपनी में ना सरिया कॉन्ट्रेक्शन का सामान ये सारी चीज़ें आ रही है। तो ये देखो हमारे टाइप के भैया लोग भी खाना बना रहे हैं। चल के एक सेकेंड मिलाता हूँ। हेलो भैया, चाल चाल क्यों शर्माना क्या है? हम लोग भी गाड़ी वाले हैं, पीछे गाड़ी वाले खाना बना रहे हो भैया। सो गाइस चेक करो, सारे ड्राइवर एक ही जैसे खाना बनाते हैं। हम जैसे बना रहे हैं, ये भैया लोग भी वैसे नीचे उतार के बना रहे हैं। रात को जैसे कि देखे, हम लोग ना नीचे ही खाना बनाते हैं। नीचे खाना बनाने में क्या है, और केबिन में क्या होता है पता है? केबिन में ना खाना बनाने से ना काफ़ी ज़्यादा केबिन हीट हो जाता है, जिसको ठंडा होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, बेचैनी होने लगता है अंदर रहते रहते, क्योंकि ना गर्मी हो जाता है, गैस जलता है पूरा गर्म, अंदर में भाप भाप हो जाता है। हम लोग ना नीचे उतार के बढ़िया खाना बनाते हैं। केबिन पूरी की पूरी ठंडी रहती है, केबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से खाना बनाओ। नीचे नीचे खाने का मन है तो बढ़िया नीचे खाओ, नहीं तो एकदम गाड़ी में लेके चले जाओ, जब आपकी इच्छा तब खाओ। और भैया सब बढ़िया? ये सर यहीं से भरे हो सरिया कि रायपुर से? अच्छा बोकारो से। ये इसी कंपनी का है? अरे इसमें तो बहुत कंजट है भैया, आप पागल हो जाओगे अंदर। एक एक तो आपके भैया को नहीं जाने देगा, छोटे वाली भैया को आपके। उसके बाद में ना आप अंदर घुसोगे ना कोई गारंटी नहीं, एक दिन में लिख लोगे, दो दिन में। और ये भैया को रहने के लिए बाहर में ना कोई रूम वूम नहीं बनेगा, जैसे कि ये भैया को ऐसी रहना पड़ेगा। आप पहले का आए हो? हम मैं भी पहली बार आया हूँ। हम लोग परेशान हो गए थे, हम लोग तीन लोग थे वो गाड़ी में, हम लोग ना दो लोग बाहर में दो दिन तक थे, दो दिन बाद मेरी गाड़ी खाली होकर निकली। सो डियर गाइस, बाकी भैया लोग का तो खाना बन जा रहा है, हम लोग का भी चलते हैं फटाफट रेडी करते हैं, क्योंकि हमारे लड़के थोड़े से लेट सो के उठे, इसलिए ना हम लोग अब भी जस्ट उतारेंगे और बनाएंगे। बाकी ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को देखते रहो, काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने लगा। तुम्हारे भाई का चैनल है, ये देखो अमन आ गया। कारे अबे पानी दे बोल रहा हूँ, साले सुनाई नहीं दे रहा। पानी दे काहे ना दे, ना दे पानी बरस करे ना करम बरस। अब ले सभी आ रहे, मेरे साथ हक नहीं गया था, तेरे साथ आ रहा है। मैं जाके आगे ब्रश कर लिया, फिर तू गया, तू भी आ गया, अब आ रहा है। तो गाइस देख सकते हो कुछ होगी जरूरी काम, पर मैं कुछ नहीं बोलता, रात को थोड़ा बेटर। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई को लोडिंग मिल चुका है, हम लोग ना खाना वाना बना के खा लिए, समझ रहे हो, खा के सोए हुए थे गाड़ी में। तो हम लोग को अचानक से कॉल आया कि भाई लोडिंग करना है। तो हम लोग पूछे क्या लोडिंग करना है, तो वो बोले कि भाई टन बैग है नगरनार का, जो कि जगदलपुर में नगरनार कंपनी है, वहाँ का माल होने वाला है टन बैग। तो भाई वहाँ पे अपना बातचीत हुआ, जो भी लोकेशन वगैरह भेजे, तो हम लोग निकल चुके हैं लोडिंग के लिए। बाकी सामने में चेक करो गाइस, अभी कंपनी के पास ही है, जो भी है भाई ये कंपनी ला रहा, इसके पास में है, इसके किनारे से रोड निकला हुआ है, अपने को माल भरना है। चापा नाम है क्या? चापा बोला था शायद, लाइव लोकेशन भेजा, उसके पास से कहीं से भरना है। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी गाड़ी लेके, बाकी ब्लॉग में बने रहो, चलते हैं दिखाते हैं भाई कि कहाँ से अपने को टन बैग लोड करना है और कैसा होता है टन बैग। टन बैग का मतलब मेरे हिसाब से कोयला वगैरह होता होगा। तो ठीक है, तुम्हारा भाई अभी गाड़ी लेके निकल चुका है और चलते हैं रास्ते में, बाकी ब्लॉग में बने रहो, देखते हैं कि भाई लोडिंग अपने को कहाँ से करना है और क्या चीज़ है टन बैग, किस टाइप का है।
चुका है लोडिंग वाले पॉइंट में। एक सेकंड, मैं सबसे पहले तो आपको चेक करा दूं कि हम लोग किस जगह में लोडिंग के लिए पहुंचे। एक्चुअली ना हम लोग पहुंचे तो काफी पहले ही थे, मैं चाहता तो रिकॉर्ड कर लेता बट मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ना अब भी गाड़ी का साफ सफाई हो रहा था और सब जने लोग नहाने वगैरह गए थे। बाकी देख सकते हो गाड़ी एक नंबर चमक गया और यहाँ पे अपना खाना वाना बन रहा है। भाई एक चीज बता दूं, आज भी अपना चिकन ही बन रहा है, क्या ही बताए, इधर में कुछ मिल ही नहीं रहा था। भाई सोयाबीन बड़ी बनाने से, आलू और सोयाबीन बड़ी बनाने से अच्छा कि चिकन ही बना लूँ या फिर हरी सब्जी मिलती तो उसको बना लेते। तो बाकी ये देखो अपना चावल बैठा दिए और चिकन उकन बनना स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ और बता दूं कि जगदलपुर की तीन गाड़ी लोडिंग करने के लिए आया है, तीन गाड़ी लोड होता है, समझ रहे हो, मतलब तीन गाड़ी लोड होगा, तीन गाड़ी है। पहले मैं आया हूँ, पहला मेरा नंबर है, फिर सेकंड गाड़ी जस्ट मेरे बगल में और उसके थर्ड नंबर की गाड़ी जस्ट उसके बगल में, यहाँ से देख रहे हो वो गाड़ी थोड़ी बहुत दिख रही है। तो एक सेकंड मैं सबसे पहले चेक करा देता हूँ किस कंपनी में आए हैं और क्या लोडिंग है। इसका नाम काफ़ी ज़्यादा टफ है, फिर भी मैं ले लूँगा इसका नाम। सो गाइस एक सेकंड, पहले तुम्हारा भाई का कॉल को निपटा लेते हैं। सो गाइस ये देखो तुम्हारे भाई का ना चिकन उकन बढ़िया धोना स्टार्ट हो गया। भाई चावल बन चुका है अपना, चावल ना नए स्टाइल में बनाया है ना इन लोग ने, क्या किया है ना, थोड़ा सा ना पसा के बनाया, मतलब पानी डाल के और गर्म करके उसको ना पसाएं, उसमें से मार टाइप का निकालें। और यहाँ पे अपना चिकन रेडी कर दिया, प्याज बहुत ज़्यादा कम काटा है बाबू की, प्याज थोड़ा और काट दे, मिर्ची लहसुन बाकी ठीक है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपना वीडियो को एडिट करने के लिए, एक वीडियो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे को, उसको आज कंप्लीट करना ही है जैसे भी हो। तो ठीक है बाकी मिलते हैं आगे। सो गाइस अभी तुम्हारे भाई का खाना वाना बन के कम्प्लीट हो चुका है। एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि तुम्हारे भाई का लोडिंग भी मिल गया। अभी हम लोग ना लोडिंग कर रहे हैं, अंदर में आ चुके हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ चेक करूँ कि अपना खाना निकल चुका है और हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। बढ़िया चिकन बनाए थे सूखा वाला भाई, जब से अपने घर, मतलब सॉरी घर बोल दे रहा हूँ, गाड़ी बोलना चाहिए था भाई, जब से अपने गाड़ी में ना सूखा वाला रोस्टेड चिकन खाया ना भाई, रोस्टेड चिकन का सबको नशा लग गया एकदम से। देखो मतलब ना तीन चार दिन से ना रोस्टेड ही बना रहे हैं, रोस्टेड में भाई इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना भाई, कभी बना के देखो रोस्टेड चिकन, दिल खुश हो जाएगा भाई। मतलब तरी वाला तो भूल ही जाओगे, हम लोग तो अब तरी वाला शायद ही कभी जिंदगी में बनाएंगे। तो ठीक है भाई फिर खाना वाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। उससे पहले ये चेक कर लो कि हम लोग ना लोडिंग पॉइंट के अंदर आ चुके हैं, इधर में अपना लोड होगा टर्न बैग, इधर में जैसे कि तैयार हो गया कुछ का, और कुछ का भी तैयार हो रहा है, बाकी शिफ्ट चेंज हुआ है, शिफ्ट वाले आएंगे तो लोड होगा, तब तक हम लोग खाना वाना खा के रेडी हो जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस बाकी ब्लॉग बाकी तुम्हारे भाई का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करके बताओ ब्लॉग कैसा बना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे कर लो, जब भी हम लोग ब्लॉग डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं, पूरा रात नाइट गाड़ी चलाएंगे।